everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in और अब हम करने वाले हैं continue हमारे question answers. कौन से chapter के? इस वाले chapter के, chapter number 2 के, the sound of music from your Beehive book. तो चलिए continue करते हैं हमारे question answers को. तो हमारा third वाला आता है answer these questions in 30 to 40 words. तो क्या करना है हमें? ये जो question answers हैं, इनको हमें 30 से 40 words में लिखना है. इसे ज़्यादा नहीं लिखना. जब होता है ना like paragraph लिख दूँगा ना, तो मतलब marks है, मैम बड़ी खुश हो जाएगी. But क्या है ना, मैम इतनी ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, इससे 40 वर्ड के ही मार्क्स देगी मैम भी. ठीक है, तो आप बोलोगे अरे इतना सब कुछ लिख के आया और मिले नहीं मुझे. तो बेसिकली उतना ही लिखना है जितना नेसेसरी. आप एक बार देख लिया करो ऊपर कि पैरा में कितने पैरा में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है. दिस विल रियली हेल्प यू एंड विल एफिशिएंटली, आपका टाइम भी बच जाएगा उससे काफी ज्यादा अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे तो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी. तो पुंगी इंस्ट्रूमेंट जो है वो कुछ इस तरह का होता है. आपने देखा होगा सांप जिसपे नाचता है ना, बीन बजाते हैं बीन बी बी करके, तो ये ही पुंगी है. और वो काफी ज्यादा लाइक आप उसको सुन नहीं सकते, आप 15 मिनट भी नहीं सुन पाओगे उसे अगर आप लीड लगा के सुनो तो. बेसिकली पुंगी को बैन इसलिए कर दिया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉइस करता था क्रिएट. एंड आप तो जानते हैं मुगल दरबार में बहुत ज्यादा सुतूर म्यूजिक सुना जाता था, बहुत सॉफ्ट म्यूजिक. तो पुंगी उनमें से एक नहीं था, तो पुंगी को बैन कर दिया गया था. इसका आंसर करते हैं औरंगजेब बैन द पुंगी, the playing of pungi, because it had a shrill and unpleasant sound. बहुत गंदा sound था इसका. ठीक है, बहुत ज्यादा कान में लगने वाला sound था, तो basically इसको ban कर दिया गया था. ठीक है, answer number 2 देखते हैं, how is a shehnai different from a pungi? तो pungi actually pungi को ये modify करके shehnai को बनाया गया था. जैसे ये थी ना pungi, तो इसका ये जो मोटा part था इसको हटा दिया गया था, इसमें even dots भी नहीं थे. तो इसको हटाने के बाद इसको क्या कर दिया गया था, बिल्कुल सीधा कर दिया गया था. सीधा करने के बाद इसमें छोटे छोटे होल्स बना दिए गए थे. आप जिस होल को बंद करेंगे, एक को खोलेंगे तो आवाज आएगी और यहां से आवाज निकलती थी और यहां से फूक करके इसे बजाया जाता था. तो शहनाई कैसे बनी, शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, तो डिफरेंट कैसे हुई? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, शहनाई इज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी. It has 7 holes on the body of the pipe. तो ये अलग कैसे है? पुंगी मैंने आपको दिखा दिया कैसी थी, वो ब्रॉड थी, एकदम गोल सी थी, उसमें कोई हॉलो होल्स भी नहीं थे. और ये कैसी होती है? स्ट्रेट होती है, नेचुरल होती है, उसमें 7 होल बने रहते हैं इसकी बॉडी पे, जिसे बजाकर काफी खूबसूरत सी वॉइस निकलती है. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली. हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंजेस दिस? आप तो जानते हैं बिस्मिल्ला खान जी ने जो एक मतलब माइस्ट्रो मास्टर रह चुके हैं इसको बजाने के. बिस्मिल्ला खान जी ने ट्रेडिशनली इसको क्लासिकल स्टेज पे यही लेकर आए थे. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ट्रेडिशनली शहनाई को कहाँ कहाँ बजाया जाता है, कैसे बजाया जाता है, बिस्मिल्ला खान ने इसको चेंज कैसे किया. ठीक है, सो यहाँ पे आंसर है, द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल एट द रॉयल कोर्ट. तो टेम्पल भी बजता है ये, ऑब्वियसली विष्णु टेम्पल में वो बजाया करते थे, मंगला मैया में बजाया करते थे, बैंक्स ऑफ गंगा के पास बजाया करते थे. ठीक है, एंड रॉयल कोर्ट में बजाया करते थे, किसी की वेडिंग हो, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी ये काफी ज्यादा बजता है, तो ये बजाया करते थे. द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्ला खान टू टेक द इंस्ट्रूमेंट और टू द क्लासिकल स्टेज. क्लासिकल स्टेज में बहुत सारे म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट थे उनके साथ साथ शहनाई का भी रॉयलिटी में नाम दर्ज हो जाता है. ठीक है, सो ये क्रेडिट हमारे बिस्मिल्ला खान जी को ही जाता है. ठीक है, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक. तो बिस्मिल्ला खान जी को अपना बिग ब्रेक होता है ना, एक लाइफ में किसी को बिग ब्रेक मिलता है यार, आज मेरे को ये हो जाए ना तो मतलब लाइफ सेट है. तो वैसे बिस्मिल्ला खान जी को एक बिग ब्रेक कैसे मिला था? तो बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं, ऑल इंडिया रेडियो में 1938 के वक्त पे उनको बिग ब्रेक मिला था. ऑल इंडिया रेडियो में ऑफन उनको सुना जाता था शहनाई बजाते हुए. ठीक है, उस वक्त पे भाई रेडियो में मिर्ची 98.3 ये सब भी बजता था. उस वक्त पे गाना वाना बजता था, बहुत खूबसूरत गाना, और जनगण मन बजता था, सारे जहां से अच्छा बजता था. तो उसी वक्त पे शहनाई और भी अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता था. ठीक है, सो बिस्मिल्ला खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938. इसमें आपको बता दिया लखनऊ 1938 में ऑल इंडिया रेडियो में अपना बिग ब्रेक मिला था. ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, वेयर डिड बिस्मिल्ला खान
play the Chennai on 15 August 1947. Why was the event historic? तो कहाँ पे भाई बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई को बजाया था? हमें ये तो पता चल गया है कि 15 अगस्त 1947 को बजाया था, लेकिन कहाँ बजाया था और ये इतना हिस्टोरिक क्यों माना जाता है? ठीक है, सो इतना ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? तो आंसर क्या है, प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट. अब ये मैंने यहाँ पे आंसर ही आपको बता दिया, रेड फोर्ट कौन नहीं जानता इसको, तो आप लोग भी पक्का गए होंगे, रेड फोर्ट नहीं गए तो जल्दी से जाना, बहुत खूबसूरत सी जगह है. सो रेड फोर्ट में बिस्मिल्लाह खान जी ने इसे बजाया था, शहनाई को बजाया था इन फ्रंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो शहनाई को, वो पहले इंडियन थे जो शहनाई को सबके सामने एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे. दिस इवेंट वॉज हिस्टोरिक बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस दैट डे, हमें उस दिन पे स्वतंत्रता मिली थी, साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू के सामने परफॉर्म किया था, भाई बात ही अलग है. ठीक है, that's why it was historic, because स्वतंत्रता मिली थी हमें. फिर हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई school in the USA? अब मैं क्या बोलूँ, उनके इतने चाहने वाले थे USA, कनाडा, कहाँ ही बोले, हर जगह ही चाहने वाले थे, इतनी बढ़िया खूबसूरत पेशगी लेके आएंगे सबके सामने तो कैसे फैन भी बनेंगे. तो भाई USA में भी उनका एक स्टूडेंट टाइप था, उन्होंने बोला था भाई यहाँ आ जाइए, हम इसे भी बनारस बना देंगे, USA में भी सब चीजें लेंगे जो जो आपको चाहिए. तो भाई बिस्मिल्लाह खान ने ये बोला कि गंगा तो ले आओगे क्या, गंगा के पीछे भागे लो, मैं गंगा नदी चाहिए मुझे, वो तो नहीं ला पाओगे. तो बेसिकली शहनाई स्कूल बिस्मिल्लाह खान ने क्यों नहीं खोलने से मना करा, USA में खोलने से मना कर दिया था उन्होंने. ठीक है, सो बेसिकली आंसर हो गए, रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA, उन्होंने मना इसलिए किया बिकॉज ही नेवर वॉन्टेड टू लीव इंडिया, उनको इंडिया से इतना प्यार था, बनारस से इतना प्यार था कि वो कभी भी किसी बाहर अब्रॉडी देश में जाकर रहना नहीं चाहते थे. ठीक है, तो फिर आ जाता है, लव्ड इंडिया सो मच एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू सेटल एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया. That is why whenever he was in foreign country, he kept yearning to see Hindustan. ठीक है, so a true Hindustani will be बिस्मिल्लाह खान जी पूरे true Hindustani थे भाई. उनका कहीं भी मन नहीं लगता था, दुमराव का मट्ठा के लिए वो तरसते रहते थे, बनारस का खाने के लिए तरसते रहते थे, बनारस की गंगा माँ के लिए तरसते रहते थे. तो basically he refused to settle in US along with वो स्कूल भी नहीं खोलना चाहते थे. सो इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट वाले हमने कर दिए हैं. अगर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप ई विद्यार्थी डॉट इन की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा. एंड फिर से मिलते हैं एक अनदर चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स के साथ. अपना ध्यान रखिए, बादाम बादाम खाते रहिए, टेक केयर, बाय बाय.